तो जी जय राम जी की, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और एक बात बताऊं आप लोगों को, आज इस वीडियो में मेरे को जो जो लोग मतलब वो होता ना कि सब अपने अपने हिसाब से भाई वो करते हैं मार्क्स देते हैं कि कौन किस तरीके का है, तो इस तरीके से मार्किंग बहुत हो रही थी, बहुत सारे मार्क्स दिए जा रहे थे मेरे को लेकर के। तो मैंने आज मैंने सोचा चलो जो बदलाव एक औरत के अंदर आते हैं समय के साथ में, जो उसके नेचर में, जो उसके रहन सहन में, और वो होता ना कि उसके तौर तरीकों में, वो बदलाव मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आज, और क्यों आते हैं वह भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे शाम का टाइम है, अभी आप देखो मैं कैसी हूँ, करंट में कैसी हूँ 2024 में। तो जी ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ, पहले तो वो बताती हूँ। वहाँ पे जो हम लोग मॉल में गए थे, शॉपिंग जो की थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की। फर्स्ट तो जो कुर्ता मैंने पहन रखा था वो, और मम्मी लेके आई थी लूज में कुर्ते के कपड़े, तो मम्मी ने जबरदस्ती मेरे को ये भी दिया। वैसे मैं स्टिच करा के पहनती नहीं हूँ, लेकिन मम्मी बोली ये कुर्ते अच्छे लगेंगे, और इतने जैसे पैंट के ऊपर के बनाऊंगी मैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये कपड़े थे। अब बताती हूँ इसके कपड़े में क्या, अब बताती हूँ शिवांश की ड्रेस। ये देखो ये सारे ऐसे हो रखे हैं क्योंकि ना बैग में से निकाल के ऐसे मोड़ था, और फिर अभी मैं फोल्ड करने वाली थी, मैंने सोचा फोल्ड कर लूंगी ना तो आप लोगों को दिखा दूंगी, नहीं वैसे आप देख भी नहीं पाओगे। तो एक ये ड्रेस शिवांश की है, ठीक है, ये निक्कर है, ये टी शर्ट है, और नैनी ने कट स्लीव पहन रखी है, नैनी उड़ाना, ये नैनी की, और ऐसी शिवांश की भी है जैकेट ले आती। ये हो गया, ये शिवांश की ड्रेस होगी। और एक नैनी का ये टॉप लिया था वहीं से, विशाल से, ठीक है। एक ये नैनी के पापा की शर्ट, ये भी विशाल से ली थी, 499 की है ये, लेकिन मेरे को लग रहा है शर्ट के हिसाब से इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इस शर्ट को देख के ना इतने की कॉस्ट की लगी मेरी, लेकिन इनको पसंद वही है, मतलब उनको पसंद ये जाएगी, क्या कर सकते हैं। तो ये कपड़े वहां से लेके आए थे, बाकी इनको फोल्ड करना है, फोल्ड करूंगी थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी और बातें करती हूँ, ठीक है। हाँ क्या बता रही थी, नैनी लेके आई थी एक ये, इसने अपने लिए ये किट लिया, और शिवांश ने वो गाड़ी आपको दिखाई थी, वो गाड़ी पड़ी, हाँ 699 की पड़ी थी ये गाड़ी, जबरदस्त है वैसे, अच्छी लग रही है, चला के दिखाओ ना, चला के दिखा दिया था मैंने, ये इसकी टी शर्ट थी, ठीक है। अब चलते हैं किचन में, तो आज बनी है दाल, ये दाल बना दी, शक्ल इसकी ऐसी दिख रही है, अंधेरे कार दिख रही थी, और बना दिए चावल, तो दाल चावल अपना खाना हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ और चीजें शेयर करूं, तो देखते हैं 2-3 दिन में कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी है आपको पता ही है, क्या बताऊँ इससे। बच्चे यहाँ लेट रहे थे, ये वो क्लिप्स हैं जो कि आज से 2-3 साल पहले की हैं, इसमें आप मेरे मतलब वो होता है ना कि बोलने का तरीका देखना और मेरा रहन सहन का तरीका देखना सेम था, ठीक है, जैसा ये इसमें है ना यही था, कुछ इसमें दिखावा नहीं था, रियल था। अभी आप ये क्लिप देखो पहले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून क्योंकि दोपहर में आएगा ना लोग, तो और मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहे हैं, पूरी रात बहुत ज़्यादा परेशान हुए, शर्मा जी की तबीयत में कोई रिलीफ नहीं था, रात को पूरी रात परेशान थे, अभी फिर से एक बार जाना पड़ेगा जयपुर। वैसे डॉक्टर ने 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया था, रिपोर्ट्स कल नाइट में मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, आज मिलेंगी, वहाँ जाके देखते हैं। शिवांश को आज यहीं छोड़ दिया, राम राम कर ले, राम 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 राम। तो आज कोई वीडियो नहीं आएगा मेरा, जो है
वो बस ये अपडेट देनी है आप लोगों को। पता नहीं क्या हो गया है, समझ भी नहीं आ रहा। आज जाएंगे फिर से एक बार, शिवांश को नहीं लेके जा रहे, शिवांश घर पे रह जाएगा। सारा सामान डाल लिया है, बस गाड़ी नहीं आई है, आने वाली है। पहले हमें लगा कि आ गई, हम लोग घर से निकल लिए। दिख गया होगा अंतर, पता है जिस चीज को मेरे को सुनने को मिल रहा है कि मेरे में घमंड बहुत है, मैंने मेरे घमंड के कारण अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो मैं बस इसी चीज को कि वो जो समय था उस समय को आपने देखा, करंट का समय देखा, अभी कैसा है। तो इस चीज़ में आपने अगर यही देखा कि इसमें घमंड आ गया, तो इसमें घमंड नहीं था। ये होता है एक लेवल के बाद में ना, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है किसी भी चीज़ से। पता है क्या होता है, जब आप उन्हीं चीज़ों से रोज़ फेस कर रहे हो, वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उन चीज़ों से, उन किसी पर्सनल किसी व्यक्ति से, मतलब कोई होता है ना कि पहले शुरू में हर्ट करती हैं छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानी करती हैं, मन दुखी होता है। लेकिन वो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो ऐसी आदत पड़ जाती है कि मन दुखी होना बंद हो जाता है। आप एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो, और वैसे भी मैं तो यूट्यूब पर हूँ, तो यहाँ पर बोलने का एक शुरू में जो तौर तरीका था उसमें और आज में बहुत अंतर आया, जिसमें कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को एटीट्यूड दिखता है। तो देखिए, मैं आप लोगों की सोच यहाँ पे गलत नहीं बता रही, लेकिन इसको थोड़ा सा वो था ना कि थोड़ा सोच कर देखिएगा कि ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं है। ये आप अपने आप से अगर रिलेट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक समय के बाद में आपको वो सारी चीज़ें जो होती ना कि मतलब ज़िंदगी का वो फेस आप देख चुके होते हो, जिसमें ये पता आपको चल जाए कि कहाँ पर आप सबके लिए रेडी थे और कहाँ पर सब आपके लिए रेडी थे। मतलब परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में चलती हैं, दिक्कतें सबकी लाइफ में आती है, ऐसा तो कोई अछूता है ही नहीं इस दुनिया में। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना आती हों, लेकिन वो परेशानियाँ जो होती ना, वो उसको ये दिखा कर जाती हैं कि उसकी वैल्यू क्या है और उसके जेब में पड़े उस पैसे की वैल्यू क्या है। तो वो सारी परेशानियाँ जो है ना, आप देखना सारी क्लिप्स मैंने लगाई हैं, ये भी एक दौर था, ये भी एक दौर था, और इस दौर में मेरा फेस देख सकते हो कितना खुश था। ठीक है, वो भी दौर था जो शुरू में क्लिप आपने देखी, और बीच में जो देखा वो भी एक दौर था, और अभी ये भी एक दौर था। ये 2020 की है, मतलब समय के साथ चेंजेस क्यों आए सोच सकते हो ना, समय के साथ चेंजेस क्यों आए, क्योंकि आपने उन चीज़ों को देखा जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं था। उम्मीद से हटकर, मतलब होता है ना, मैंने आपको 5-6 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, मैंने उस वीडियो में बोला था कि उम्मीदें जब टूटती हैं ना इंसान की, तो उम्मीदों के साथ में उसका विश्वास जब टूटता है ना, तो उस विश्वास के साथ में वो खुद टूट जाता है, और उसका जो होता है ना कि बात करने का तरीका, उसका रहन सहन का तरीका, वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। बस पहले क्या था, आपने देखा मेरे को बीच में एक क्लिप में मैंने साड़ी पहन रखी है, मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ, डरी सहमी सी हूँ। तो वो जो दौर था ना, उसमें क्या था कि सबकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक रिस्पेक्ट का हमारे समाज में एक अलग तौर तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, किस तरीके से खड़े होना है वो भी एक तरीका होता है, क्या पहनना है वो भी रिस्पेक्ट में माना जाता है। तो सारी चीज़ें जो होती ना, वो रिस्पेक्ट की श्रेणी में आ जाती हैं। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आपकी वैल्यू बस इतनी है जब तक आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन बताई थी ना, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो उस तरीके से आप सबकी वैल्यू आप समझते हो, और एक समय ऐसा आता है कि आपकी वैल्यू आपको पता चलती है कि वैल्यू किस चीज़ की थी। तो उस दौर में फिर वो एटीट्यूड नहीं आता, वो उम्मीदें ख़त्म होने के बाद में इंसान जो जैसा होता है वो फ्रंट में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं बदली नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। फेस से भी आपको दिख रहा होगा, आपको बोल चाल के तरीके से भी दिखता होगा, हर एक चीज़ से आपको दिखता होगा कि हाँ मैं बदल गई हूँ भाई। लेकिन बदली क्या है, बस उम्मीदें छोड़ दी हैं, खुद से उम्मीद लगा करके, और जब भगवान ने ये ज़िंदगी दी है तो भाई हमारे हरियाणवी में बोलते हैं जून तो काटनी पड़ेगी। तो जब ये उम्र काटनी है तो अपने हिसाब से काटेंगे ना, अपने हिसाब से करेंगे, या तो बर्बाद सही या आबाद सही, अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन करना सब अपने हिसाब से ही हो। क्योंकि पता है
भाई मैं एक पछतावा नहीं रखना चाहती, जब जिंदगी से अपनी चली जाए और यहाँ से जाऊँ ना तो मन में पछतावा ना हो।